क्या पीएम मोदी छात्रों को दे रहे फ्री में लैपटॉप, जाने इस वायरल हो रहे दावे का सच। मौजूदा समय में इंटरनेट सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई एक्टिव है। बात चुनाव की हो तो ये और अहम हो जाता है। चुनाव के दौरान इन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की वीडियो, अलग अलग तरह की खबरें भी मिलती रहती है। इनमें से कुछ वायरल न्यूज और वीडियो ऐसे भी होते हैं जिनमें दावा कुछ किया जाता है और हकीकत तो कुछ और होती है। ऐसी ही एक खबर इन दिनों इंटरनेट पर चल रही है। यह खबर एक वेबसाइट के जरिए फैलाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2024 की शुरुआत की है। हालांकि जब हमने इसकी पड़ताल की तो यह दावा झूठा निकला। दरअसल पीएम योजना अड्डा pmyojnaadda.com नाम से एक वेबसाइट चल रही है। इस वेबसाइट को क्लिक करके देखेंगे तो इसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मुहैया करा रही है। इस वेबसाइट पर पूरी खबर लिखी हुई है। खबर की हेडिंग है फ्री पीएम योजना अड्डा 2024 लैपटॉप योजना, भारत सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान कर रही है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें विस्तार से दावा करते हुए कहा गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2024 नाम से एक योजना शुरू की है जिसके जरिए देश भर के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें ये तो नहीं बताया गया कि योजना किस तारीख से शुरू हुई, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख जरूर बताई गई है। इस खबर में आवेदन करने के लिए www.aicteindia.org नाम से वेबसाइट का पता दिया गया है। हमने इन दावों की पड़ताल शुरू की। इसी कड़ी में हम उस वेबसाइट पर गए जहां आवेदन के लिए कहा गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद काफी तलाशा, लेकिन वहां ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। वेबसाइट पर हमें AICTE की ओर से जारी एक नोटिस मिला। इस नोटिस ने सारा सच सामने रख दिया। इस नोटिस में लिखा था AICTE छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में फैली झूठी और भ्रामक खबरों को खारिज करता है। हाल ही में कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें फैलाई गई है कि फ्री लैपटॉप योजना चल रही है, लेकिन वास्तव में ना तो भारत सरकार और ना ही AICTE इस तरह की कोई योजना चला रहा है। इसलिए ऐसी खबरों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।